भारत सरकार ने एलन मस्क की कंपनी टेस्ला को रिजेक्ट क्यों किया? एलन मस्क ने भारत से ऐसा क्या मांग लिया था जिसे भारत ने देने से मना कर दिया? एलन मस्क ने भारत सरकार से टैक्स के ऊपर राहत क्यों मांगी थी? एलन मस्क ने भारत सरकार से टैक्स के ऊपर राहत मांगी थी, भारत ने उसे क्यों इनकार कर दिया है? तो क्या एलन मस्क फिर भी भारत आएंगे? एलन मस्क, जो दुनिया के टॉप बिलियनर्स में आते हैं, अपनी इलेक्ट्रिक कार टेस्ला के लिए जाने जाते हैं, इंटरनेट की दुनिया में स्टारलिंक के नाम से जाने जाते हैं और अंतरिक्ष की दुनिया में स्पेस एक्स के नाम से भी जाने जाते हैं। ऐसा व्यक्ति जो अपने कार को लेकर इंडिया में काफी सुर्खियों में है। भारत में जब भी कोई वस्तु इंपोर्ट करते हैं, विशेष रूप से वह कार है, और उसकी कीमत इंक्लूडिंग इंश्योरेंस, उसके साथ लगने वाला पार्ट, उन सबको मिला दिया जाए, कॉस्ट इंश्योरेंस और माल भाड़े, तीनों चीजों को मिला दिया जाए, अगर भारत में कोई कार $40,000 से ऊपर पड़ती है, अगर आप 75 के भाव से मल्टीप्लाई कर लें, 75 के भाव लगभग चल रहा है, तो आज ये कॉस्ट पड़ती है 29,97,000। यदि भारत में 29 लाख रुपए पड़ रही है तो इस पर लगने वाला टैक्स 100% होता है। इसका मतलब ये है कि जो आप गाड़ी ले रहे होते हैं, अगर आप कोई भी कार ले रहे हैं, उसकी कीमत 30 लाख रुपए के आसपास की है और विदेशी कंपनी से बनी हुई कार है, जैसे कि ऑडी, BMW, मर्सिडीज या जो भी गाड़ी है विदेश से बनकर इंडिया में आ रही है, तो उस पर 100% टैक्स लगती है। ये भारत का नियम है। और जो विदेशी कार है उसकी कीमत 29 लाख रुपए से कम है तो भी उसके ऊपर 60% टैक्स इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। टेस्ला के साथ परेशानी ये है कि गाड़ी इंडिया में सबसे लोअर वर्जन भी आता है तो उसकी कीमत 30 लाख रुपए से ऊपर की पड़ती है। ऐसी स्थिति में एलन मस्क को डर है कि इंडिया के मार्केट में 30 लाख रुपए से ऊपर पड़ी, इसका मतलब 100% टैक्स के रूप में इंपोर्ट ड्यूटी लग जाएगी। ऐसी स्थिति में इतना अधिक मात्रा में बिक नहीं पाएगी जितना वो बेचना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में अक्सर ट्वीट करते हुए पाए जाते हैं, जैसे 24 जुलाई को ट्वीट किया था, इसको मैं हिंदी में बता दूं, मैं इंडिया तो आना चाहता हूं, लेकिन यहां पर जो आयात शुल्क है वह दुनिया में सबसे ज़्यादा है, लेकिन भारत सरकार कहती है कि अगर आप इतनी ही बड़ी और अच्छी कंपनी है, इतना महंगा गाड़ी बनाते हैं, तो कृपया करके इंडिया में ही गाड़ी का निर्माण करिए, बाहर निर्माण मत करिए, यानी मेक इन इंडिया करिए, और जब सामान ही इंडिया में बन रहा होगा तो हम इंपोर्ट ड्यूटी क्यों लेंगे। दूसरी ओर एलन मस्क का मानना है कि इंडिया में जो गाड़ी बनाई जाए उसमें लगने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मशीनें लगाई जाएगी, उद्योग बनाया जाएगा, लगभग 1,500 करोड़ इन्वेस्ट करके इतनी कारें बनाई गई और प्रॉपर तरीके से बिक भी नहीं पाई, तो अल्टीमेटली कंपनी को लॉस हो जाएगा। ऐसी स्थिति में एलन मस्क सेफ प्ले करना चाहते हैं। वो कहते हैं, हम टेस्ला को बनाकर बाहर से इंडिया में बेचने के लिए भेजेंगे, आपसे गुजारिश है कि उस पर इंपोर्ट ड्यूटी हटा दें। भारत सरकार के अधिकारियों ने कहा कि ऐसा क्या देने वाले हो जो तुम्हारे ऊपर से तो इंपोर्ट ड्यूटी हटा दें और बाकी BMW, ऑडी, मर्सिडीज वगैरह ये जो गाड़ी है उन पर लगने दें, ये तो सरासर नाइंसाफी हो जाएगी, इसलिए हम टैक्स तो हटा नहीं सकते। और इससे फिर पूछा गया, आपके पास स्पेशल क्या है कि तुम पर टैक्स हटा दिया जाए और बाकी पर लगे रहने दिया जाए? और उन्होंने कहा कि हमारी जो कार है इलेक्ट्रिक कार है, और इलेक्ट्रिक कार है तो पर्यावरण फ्रेंडली हुई, ऐसी स्थिति में भारत की इन्वायरमेंट के लिए बहुत सही है और इसकी प्राप्ति के लिए टैक्स हटा दिया जाए। बात तो सही है, लेकिन भारत सरकार को पता है कि एक बार इनको इजाज़त दे दी जाए कि आप बनाकर भारत में गाड़ी बेचिए, लेकिन ये जनाब चीन से गाड़ी बनवाएंगे और इंडिया भेज देंगे, क्योंकि चीन के अंदर ऑलरेडी इलेक्ट्रिक मार्केट बहुत ज़बरदस्त चल रहा है और चीन की जो लिथियम आयन बैटरी है अधिकांश दुनिया के देश वहीं से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इनके लिए तो कच्चा माल भी वहीं बन गया और सस्ता लेबर भी मिल गया, बढ़िया इंडस्ट्री भी मिल गई और बना के माल इंडिया भी भेज देगा। तो भारत को समझ में आता है कि इन्हें परमिशन देने का अर्थ हुआ कि चीन का बना हुआ सामान इंडिया में बेचना, भले ही कहने के लिए अमेरिकी है, एलन मस्क माल पड़ोस में से बनाकर भेजेगा। भारत के 3 राज्यों महाराष्ट्र, तेलंगाना और पंजाब के मंत्रियों ने इनके पास ट्वीट करके बोला कि आप चिंता मत करिए, आप हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाइए। केंद्र सरकार इस मुद्दे पर सख्त है कि जब विदेश में माल बनाकर बेचोगे तो पहले हमारे पास इंपोर्ट ड्यूटी दो, तब जाकर के बनाओ। एलन मस्क को भारत में कार बेचना है तो इंपोर्ट ड्यूटी देना पड़ेगा या इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।